लियो, ठीक है। करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी की। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। काफी दिनों के बाद, 10 दिन का गैप देने के बाद आज फिर से मैदान में हूँ मैं, और तैयार फिर से रेडी हूँ कुछ नया आपको देने के लिए, फ्रेश मन से देने के लिए। मैं जो गैप किया उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे भी कुछ मजबूरियाँ थी दोस्तों, उसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। बहुत सारे गवर्नमेंट के काम भी लेकर गया था मैं, और मेरे बहुत सारे इलेक्ट्रोमोपैथ के काम दिल्ली में भी थे, वो भी मैं हल करके आया हूँ। जब मौका आएगा तो बताऊंगा कि मैं किस लिए गया था, ठीक है। चले आज हम लोग बात करते हैं, स्पेशल बात करेंगे आज हम लोग स्किन कैंसर की, और स्किन कैंसर के साथ हम आगे देखेंगे ब्रॉडबैंड एरियाज में अगर किसी प्रकार का लीजन होता है तो बॉडी में कौन सा पार्ट अफेक्टेड होगा, कौन सा लीजन किस पर्टिकुलर एरिया में हो रहा है, इस एरिया का फंक्शन जो डिस्टर्ब हो रहा है और उस डिस्टरबेंसेस के कारण जो पर्टिकुलर डिसीज डेवलप हो रही है उसको इलेक्ट्रोमोपैथ से आप कैसे क्योर करेंगे। वैसे तो मैंने यहाँ पर जो डायग्राम बनाया था उसमें मैंने क्लियर आपको बता दिया था कि ये जो पूरा एरिया होता है ये S10P1F1C1W से कवर हो रहा है ना, इसलिए मैं आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि ये कैसे काम करता है। आज हम स्किन की बात करते हैं, स्किन हमने पूरा पढ़ लिया है, स्किन का कैरेक्टर हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा हुआ है फिजियोलॉजिकली, तो हम केवल यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों एनाटॉमिकल और पैथोलॉजिकल लेवल पर। अब स्किन को आप देखते हो तो ये हमारी स्किन है, इस स्किन का ऊपर का जो लेयर होता है वो एपिडर्मिस कहलाता है, उसके नीचे का लेयर डर्मिस कहलाता है, सबसे नीचे का लेयर हाइपोडर्मिस कहलाता है जो मसल से जुड़ा होता है, और वो मसल आपके बोन पे जुड़े होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं पर्टिकुलर जो आपके बोन के लेवल पर वहां पर कनेक्ट होती है स्किन। जब कभी भी कोई सेंसेशन होता है आपके बॉडी के लेवल पर, नर्व एंडिंग स्किन के नीचे पाई जाती है, जिससे ब्रेन को तुरंत मैसेज मिलता है दोस्तों कि पर्टिकुलर एरिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्किन कैंसर जब भी डेवलप होगा दोस्तों स्किन सेल में अराइज होगा, जो स्किन की सेल होती है उसमें अराइज होता है। अब स्किन में तो कई प्रकार की सेल्स होती है दोस्तों, है ना, इसीलिए उन्हीं स्किन के सेल्स के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया जाता है दोस्तों, अर्थात सेल और सेल में पाए जाने वाले जो केमिकल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं अगर एग्रावेशन होता है या किसी प्रकार का अबनॉर्मल डेवलप होता है उसके कारण कैंसर डेवलप होता है। याद रखने की जरूरत है दोस्तों, कॉमन स्किन का वो एरिया जो पर्टिकुलरली स्किन कैंसर को डेवलप करता है उसमें सबसे पहले होता है बेसल सेल स्किन कैंसर, जो आपकी ये जो बेसल सेल होती है इस बेसल सेल से पूरा जो कैंसर डेवलप होता है बेसल सेल कैंसर। दूसरा होता है यहाँ पर पर्टिकुलर स्क्वेमस सेल्स होती है, स्क्वेमस सेल्स कैंसर, ठीक है, यहाँ पर इनको नाम दिया गया है। यदि बेसल सेल से होता है तो उसको BCC के नाम से जाना जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। जब स्क्वेमस सेल्स के लेवल पर होता है तो उसको SCC के नाम से जाना जाता है। और एक तीसरा जो बहुत ही डेंजरस कैंसर होता है जिसको आप मेलेनोमा के नाम से जानते हो, है ना, मेलेनोसाइट, याद रखना मेलेनोमा। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 प्रकार के कैंसर आपको डेवलप होते हुए नजर आते हैं। पहले दोनों कैंसर जो है बेसल सेल स्किन कैंसर, स्क्वेमस सेल स्किन कैंसर यानी BCC और SCC, है ना, कम होने वाले कैंसर है दोस्तों, है ना, याद रखना पहले दोनों कैंसर
कम होने वाले कैंसर के साथ पाए जाते हैं दोस्तों, जिसे हम नॉन मिलेनोमा स्किन कैंसर के नाम से जानते हैं, है ना। इनको नॉन मिलेनोमा स्किन कैंसर के नाम से जाना जाता है, यानी बेसल सेल स्किन कैंसर बीसीसी, स्क्वैमस सेल कैंसर याद रखना एससीसी के नाम से जाना जाता है। अगर आप इनके कोऑर्डिनेशन वे को देखोगे तो आपको नजर आएगा आपके फेस पर, है ना, आपके नेक के लेवल पर जब इस प्रकार के कैंसर डेवलप होते हैं, ऐसे एरिया में होते हैं जो डायरेक्टली सन के एक्सपोजर में होता है दोस्तों, है ना, याद रखना नेक और फेस डायरेक्टली सन के एक्सपोजर में होता है, इसलिए जब भी कैंसर डेवलप होगा, है ना, आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों, जब भी इस प्रकार का कैंसर डेवलप होगा तो आपको हमेशा याद रखना है उसका कहीं ना कहीं लिंक होता है, वो स्किन कैंसर के रूप में देखने को मिलता है, वो लिंक आपको यहां से देखना है ना। तो पहला बीसीसी, दूसरा एससीसी और तीसरा मेलनोमा, ये तीन प्रकार का जो स्किन कैंसर होता है टिपिकली आपको देखने को मिलता है। और अगर इनको देखेंगे आप तो हमेशा याद रखेंगे एक कैंसर जब डेवलप हो रहा है ये पर्टिकुलर इस रीजन में डेवलप होता है, जो डायरेक्ट सन का एक्सपोजर होता है वो यहां पर डेवलप होता है। दूसरा जब मिलेनोसाइट का लेवल तय करता है तो वो पर्टिकुलरली यहाँ पर जो मिलेनोसाइट सेल्स होती है डीप में, यहाँ पर मिलेनोसाइट के लेवल पर डेवलप होता है, आपको याद रखने की जरूरत है दोस्तों। इसलिए जब कभी भी आपको कैंसर डेवलप होगा आपको विशेष तौर से याद रखना है दोस्तों, पर्टिकुलर सेल्स की ओरिजिन के अकॉर्डिंग कैंसर डेवलप होता है ना। अब नेक और फेस में सबसे पहले तो एपिडर्मिस होती है ना, इसीलिए एपिडर्मिस की जो वेसल लेयर होती है जो पर्टिकुलर यहां से कनेक्ट करती है बाहर की तरफ जाती है, यानी जो सेल पुरानी होती जाती है उसको बाहर धकेला जाता है डर्मिस से, वो एपिडर्मिस में जाती है और एपिडर्मिस में डेड सेल्स के रूप में समाप्त हो जाती है, यह आपको याद रखने की जरूरत है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको एक चीज और याद रखना पड़ेगा, जब अल्ट्रावायलेट रेस का डायरेक्टली एक्सपोजर होता है दोस्तों तो याद रखना बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा, बहुत ज्यादा डिस्कलरेशन ऑफ स्किन होगा, आप मान के चलिए कैंसर डेवलप हो गया, है ना। इसलिए एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस मसल लेयर आपको याद रखना है दोस्तों, है ना। यहाँ पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो आपकी क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर जो कैंसर ये डेवलप हो रहा है याद रखना दोस्तों, ये पर्टिकुलरली बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो बेसल लेयर हो रही है उस बेसल लेयर के लेवल पर डेवलप हो रहा है, इसको आप बेसल सेल कार्सिनोमा कहते हो, याद रख लेना दोस्तों। ये जो बेसल सेल कार्सिनोमा होता है इस प्रकार का जो कैंसर होता है ना बहुत स्लोली ग्रो करता है, आपको डरने की जरूरत नहीं, बहुत स्लोली ग्रो करता है दोस्तों, और इसके आसपास के जो टिश्यूज होते हैं साइमल्टेनियसली उस टिश्यू को डैमेज करता है, यही कारण है इस डिस्टेंट एरिया में स्प्रेड करने का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करने का काम करता है, और यही कारण है बहुत लाइफ थ्रेटनिंग होता है, बहुत ही जबरदस्त लाइफ थ्रेटनिंग होता है, 80% केसेस में आपको देखने को मिलता है ना, ये नॉन मिलेनोमा स्किन कैंसर के 80% केसेस में आपको देखने को मिलेगा, 80% जो स्किन नॉन मिलेनोमा के कैंसर नजर आएंगे उसमें आपको बेसल सेल कार्सिनोमा देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रख लेना। जब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के लेवल बात आएगी दोस्तों आप ये भी देखेंगे सन एक्सपोजर के कारण, ठीक है, आप आजकल देख रहे हो बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिनको अप्लाई किया जाता है ना। अभी आपको याद हो दोस्तों कुछ समय पहले न्यूज आई थी कि फॉरेन में जो पर्टिकुलर एक पाउडर है पता नहीं कौन सी कंपनी है इंडिया की, उस कंपनी के पाउडर को अप्लाई करने के वजह से दोस्तों जो इंडिया में बहुतायत में यूज किया जाता है उसके कारण बच्चों को भी स्किन कैंसर डेवलप होते हुए देखा गया था, है ना। अल्ट्रावायलेट तो ठीक है, सन एक्सपोजर ठीक है उसके कारण है नहीं, ये भी माना जा रहा है कि केमिकल इरिटेशन के वजह से भी फेस, हैंड, ईयर, कान, है ना, वो भी कैंसर ग्रस्त हो सकते हैं जिनमें स्क्वेमस सेल कैंसर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। याद रखना जो व्यक्ति डार्क स्किन सेट्स के होते हैं, है ना, वो बहुत ज्यादा इससे अफेक्टेड होता है, जो एरिया एक्सपोज नहीं होता उनमें भी डेवलप हो जाता है, जरूरी नहीं अंदर का एरिया हो तो उसमें भी आपको होता हुआ नजर आएगा, है ना। 20% मोस्ट जो कॉमन होता है दोस्तों वो नॉन मेलेनोमा स्किन कैंसर में वो आपका स्क्वेमस सेल कैंसर होता है, यानी ये दोनों बीसीसी एससीसी में, यहाँ पर जो ये एससीसी है ये 20% होगा दोस्तों, इसीलिए बेसल सेल कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा रेयरली रिजल्ट इन डेथ,
यानी इससे पेशेंट लंबे समय तक वाइटिलिटी प्राप्त करता है, सर्वाइव करता है, इससे किसी प्रकार का डेथ होना लास्ट स्टेज में डेथ होगा। यानी घबराने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छी तरीके से उसकी पूरी लाइफ तक उसको जिंदा रख सकते हो। लेकिन जो मेलेनोमा होता है बहुत डेंजरस होता है दोस्तों, आपको यहाँ पर याद रखने की जरूरत है। मेलेनोमा में ये जो स्किन कैंसर यहाँ पर जब डेवलप हो रहा है, ये पर्टिकुलरली डर्मिस तक इन्वॉल्व हो जाता है ना, ऊपर से होता हुआ नीचे आएगा, यानी आपके मेलेनोसाइट से डर्मिस में पाई जाती है, और वहां के डर्मिस के लेवल पर आकर दोस्तों मेलेनोसाइट जो कैंसर होता है वो मेलेनोमा के रूप में डेवलप करता है। आपको याद रखना है दोस्तों, बहुत ही एग्रेगेटिव फॉर्म होता है, बहुत तेजी से एग्रावेशन करता है दोस्तों। जो कैंसर बॉडी के किसी भी पार्ट पर डेवलप हो सकता है दोस्तों, और ये किसी भी मेलेनोसाइट के सेल्स के लेवल पर डेवलप होता है, जो बहुत ज्यादा, जो आप जनरली आप देखते हो आपकी स्किन में जो नॉर्मल स्किन कलर होता है, नॉर्मल होता है, आप धूप में चले जाते हो तो आपकी स्किन काली होने लगती है ना। अब आप रोजाना धूप में जा रहे हो, लंबे समय तक धूप का एक्सपोजर कर रहे हो, डेफिनेटली आप इरिटेशन, अगर आपको डेवलप हो गया, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हुई, आप मान के चलिएगा दोस्तों स्किन कैंसर होने में देर नहीं लगा दोस्तों। याद रखिएगा बेनाइन जो मोल्स होते हैं है ना, आज के समय में सबसे ज्यादा देखो स्किन के ऊपर मोल्स निकल कर आते हैं, जो बेनाइन मोल्स होते हैं उनमें भी डेवलप होता है दोस्तों, है ना। बाद में जब बेनाइन मोल्स का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, धीरे 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 करके स्किन कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। बेनाइन मोल्स का मतलब होता है स्किन के लेवल पर इस प्रकार से तिल डेवलप हो जाना, है ना, इस प्रकार से पूरी बॉडी में बेनाइन मोल्स डेवलप हो जाते हैं। टिपिकली लेटर हाफ में ये स्किन कैंसर में डिवाइड हो जाता है दोस्तों। इसलिए आपको हमेशा याद रखना है, ज्यादातर फेस, चेस्ट, बैक में, मेन में डेवलप होता है, और वुमेन में ज्यादातर दोस्तों लोअर लेग्स में डेवलप होते हुए देखा जाता है ना। याद रखना मेलेनोमास आसानी से क्योर हो जाते हैं, यदि अर्ली डिटेक्ट करोगे बहुत आसानी से करेक्ट हो जाते हैं दोस्तों, यदि अनट्रीटेड होते हैं तो बॉडी के किसी भी पार्ट में स्प्रेड हो जाएगा और इवेंचुअली बहुत ही डेंजरस डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर पूरी बॉडी में डेवलप करता है दोस्तों। और जैसे कि नॉन मेलेनोमा केस में आपने देखा कि डेंजर नहीं होता, डेथ नहीं होती, लेकिन मेलेनोमास में डेथ होते हुए देखा जाता है दोस्तों। मेलेनोमा इन तीनों स्किन कैंसर में बहुत ही लीस्ट फ्रिक्वेंट होता है, कम फ्रिक्वेंट होता है दोस्तों, है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको अगर एक रेशियो बताऊं तो अभी का जो लेटेस्ट रेशियो है दोस्तों 2024 का, अभी तक 3,32,000 पीपल्स को ये हुआ है दोस्तों, है ना। और स्पेशली मान के चलिए अगर पूरे वर्ल्ड का अभी का एक सिनेरियो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या एक पेपर में जो मैंने पढ़ा है वो तो बहुत डराने वाला है दोस्तों, है ना, वो डराने वाला है। इसलिए ये जो आंकड़े हैं ये वो आंकड़े हैं जो नोन केसेस के, है ना, लेकिन अननोन जो डेथ में जा चुके हैं बाद में पता हुआ, जिनको मानने से इनकार किया गया, 6,98,000 पीपल्स को मेलेनोमा पॉजिटिव निकला है दोस्तों, है ना। यही कारण है दोस्तों जब इन केसेस में देखा गया 55,000 लोगों की डेथ हो गई थी, है ना। और सबसे बड़ी चीज होती है ये उन कंट्रीज में सबसे ज्यादा होता है जहां पर धूप का सेवन किया जाता है ना, ऑस्ट्रेलिया, है ना, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, है ना, याद रखना हॉलैंड, नीदरलैंड, ये वो इलाके हैं जहां पर समुद्र किनारे धूप का बहुत ज्यादा सिकाई किया जाता है, और ऐसे लोगों में बहुत कॉमनली दोस्तों ये स्किन कैंसर होते हुए देखा गया। अगर आप कॉजेस देखेंगे, कारण सिंपल सा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन एक्सपोजर, है ना। याद रखना दोस्तों हाईएस्ट रैंक रखता है स्किन कैंसर को कॉज करने में सन एक्सपोजर। स्किन कैंसर को वहां पर एक्सप्लेन नहीं करता दोस्तों, लेकिन स्किन पर डेवलप जब होता है, जो स्किन सनलाइट के एक्सपोजर नहीं होती वहां पर भी हो जाता है ना। इसीलिए ये सजेस्ट किया जाता है दोस्तों कि बहुत सारे फैक्टर इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, केवल सनलाइट सनराइज के लेवल पर नहीं होता, है ना। इसीलिए कैंसर को डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट करने में बहुत सारे डेली डे टू डे आज का पेस्टिसाइड, है ना, स्मोकिंग, टोबैको, एचआईवी इंफेक्शन, इम्यूनिटी का शटडाउन हो जाना, ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो जाना, इसके मस्त सेल कैंसर के चांसेस को बढ़ा देता है दोस्तों, है ना। आजकल आप देख रहे हो आयोनिक रेडिएशन हो रहा है ना, आयोनिक स्किन रेडिएशन, जैसे कि एक्सरे में भी स्किन कैंसर के चांसेस को बढ़ जाता है।
जो लोग एक्सरे अटेंडेंस होते हैं उनमें सबसे ज्यादा, जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उनमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं स्किन कैंसर के डेवलप होने का, है ना। इसलिए अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है दोस्तों, वहां पर जो उनका ट्रेनिंग बैंड्स होता है ना, उसको उपयोग करने वाले में सबसे ज्यादा स्किन कैंसर के रिस्क को देखा गया है ना। याद रखना दोस्तों, जो साइक्लोस्पोरिन ए टैबलेट होती है ना, याद रखना, जो कैल्शियम यूरिन इनहिबिटर टैबलेट होती है ना, एजाथियोप्रीन नामक जो टैबलेट होती है, आजकल धड़ल्ले से मॉडर्न साइंस इन टैबलेट्स का उपयोग कर रहा है, ये सीधी स्किन कैंसर डेवलप करती है। यदि आपने साल डेढ़ साल दो साल इसको लिया और आपकी इम्यूनिटी कम रही, आप देख लो आपको स्किन कैंसर डेवलप हो जाएगा। कुछ इम्यूनो सप्रेशन ड्रग भी होती है दोस्तों, है ना, जो इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, डेक्सामेथाजोन, वाइसोलॉल, है ना, याद रखना, ये रिस्क को बढ़ा देती है दोस्तों, है ना। कुछ जेनेरिक सिंड्रोम होते हैं, है ना, इसमें कंजेनाइटल मेलानोसाइट नेवी सिंड्रोम सबसे कॉमन होता है दोस्तों, जिसमें बचपन से ही मेलानोसाइट बहुत ज्यादा होती है ना। यही कारण है दोस्तों, जिनकी फेयर स्किन होती है ना, जिनको सनबर्न की एक हिस्ट्री होती है, जिनको सन में बहुत ज्यादा एक्सपोजर होने की हिस्ट्री होती है, स्किन कैंसर उनमें लेटर हाफ में डेवलप हो जाता है ना। इसलिए जब ऐसी कंडीशन डेवलप होगी तो आपको केवल ऑब्जर्वेशन करना है कि उस पेशेंट को मोल्स तो नहीं है, ठीक है, आपको ये देखना है छोटे छोटे काले काले तिल तो नहीं है, अगर मोल्स है ना तो आप मान के चलना शनि, अगर वो चमकीला है ना, उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम देखिए बहुत वीक मिलेगा, है ना। याद रखना, हाई एटीट्यूड क्लाइमेट में रहता हो, यानी ऊपर ही ऊपर समुद्र तल से ऊपर रहता हो, है ना, वो लगातार रेडिएशन के एक्सपोजर में जाता है, बहुत सारी कंडीशन में मर्क्यूरी ऑक्सीजनिक के लेवल पर, आर्सेनिक के लेवल पर वो एक्सपोजर में होता है, आप मान के चलिए उनको डेफिनेटली ये कंडीशन डेवलप होती है। यदि कोई भी सिम्टम आप देखोगे, यदि कोई भी पेनलेस अगर स्किन पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, दर्द नहीं है, है ना, रेस्ट कंडीशन में उभार लेकर है ना, स्किन का एरिया उभरा हुआ होता है ना, वहां पर शाइनी अपीयरेंस होता है, एकदम आपके बाकी स्किन चमक नहीं कर रही, लेकिन वो एरिया बिल्कुल चमक कर रहा है, क्यों, क्योंकि ब्लड वेसल जो उसके ऊपर रन करती है ना, उसके लेवल पर वो एकदम चमक जाता है। इसीलिए हार्ड लंप विथ स्केलिटॉप, यहाँ पर एक हार्ड लंप नजर आ रहा, उस पर से एक काला कलर, जैसे आपको कोई चोट लगी और स्केल बन जाता है ना, सेम स्केलिटॉप वहां पर नजर आ रहा है ना, एक मोल के रूप में चेंज हो जाता है दोस्तों। और जब चेंज हो जाएगा ना, आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर रहे हो कि यार ये पर्टिकुलर स्पॉट जो है मोल के रूप में नजर आ रहा है और ये बाकी के स्किन से डिफरेंशिएट हो रहा है। अगर डिफरेंशिएट होता है, आप तुरंत डायग्नोस कर जाओगे कि हाँ साहब यहाँ पर जो है इसको स्किन कैंसर डेवलप हो रहा है। आप जब वहां पर देखोगे दोस्तों, उसके साइज के कलर में आपको चेंजेस नजर आ जाएगा, है ना, इरेगुलर एजेस नजर आएगी दोस्तों, एक या एक से ज्यादा कलर का वेरिएशन आपको नजर आएगा, वो आसानी से इचिंग करेगा, बहुत आसानी से इचिंग होकर बहुत आसानी से ब्लीडिंग हो जाएगी दोस्तों, है ना, आपके पाम, आपके सोल्स, आपके टोस की स्किन में डार्क रीजन दोस्तों वहां पर नजर आ रहा है ना, फ्लैश कलर के ब्राउन स्कार लाइक रीजन जो होते हैं दोस्तों, ये कैंसर के एक आधार स्रोत होते हैं। पूरा ब्राउन कलर का अगर वहां पर रीजन बन जाता है, आपका डायग्नोसिस होना चाहिए कि हाँ साहब यहाँ पर ये जो है ये कंडीशन है, ये डेफिनेटली वहां पर कैंसर को डेवलप करेगी। यदि स्किन का चेंजेस आपको नजर आ रहा है तो डायग्नोसिस के लिए आप बायोप्सी करा लीजिए, एमआरआई करा लीजिए, है ना। जब वहां पर मेलानोमा की इंक्रीज स्टेजेस होती है दोस्तों, उसके आधार पर डायग्नोसिस होता है, यानी वही चार स्टेज, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज, ये चार स्टेज होती है, उसी के आधार पर डायग्नोसिस होता है दोस्तों। इसलिए जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, जब आप प्राइमरी स्टेज फर्स्ट स्टेज में देखेंगे कैंसर प्राइमरी साइट पर, याद रखिएगा ऊपरी लेवल पर, है ना, वहां पर लिम्फ नोड्स, है ना, बोन और टिश्यू में स्प्रेड हो जाएगा, याद रखना वहीं पर लोकल पर्टिकुलर एरिया में स्प्रेड हो जाता है दोस्तों, है ना। यही कारण है स्टेजेस को याद रखना, बोन और बॉडी के पार्ट्स पर फैलना ये डिपेंड करता है। अर्ली स्टेज जो स्टेज वन होती है केवल सुपरफिशियल एरिया में डेवलप होता है, जब सेकेंड स्टेज होती है एपिडर्मिस से डर्मिस में आ जाता है, जब थर्ड स्टेज होती है डर्मिस से हाइपोडर्मिस में चला जाता है, और जो फोर्थ स्टेज होती है बॉडी और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सबसाइड हो जाता है, स्टेज फोर्थ होती है दोस्तों। यही कारण है पर्टिकुलर साइट पर्टिकुलर टाइप
पर्टिकुलर डेप्थ, पर्टिकुलर लोकेशन और उस पर्टिकुलर लीजन के अकॉर्डिंग आपको प्रोटोकॉल तय करना होता है। यानी आप जब स्किन को रिमूव करके बायोप्सी कराते हो उसकी रिपोर्ट के आधार पर आप देखते हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज है, उसी के अकॉर्डिंग आप फ्रीजिंग विद लिक्विड नाइट्रोजन, जो मॉडर्न साइंस क्या करता है लिक्विड नाइट्रोजन के साथ उसको फ्रीजिंग कर देता है ना, जिसको बोलते हैं क्रायो सर्जरी, है ना। ये एक्सीडेंट सर्जरी भी परफॉर्म की जाती है, जो मोल्स होते हैं उसको सर्जरी करके वहां से लिगेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। अगर वहां पर रिकरिंग या हार्ड टू, बहुत मुश्किल होता है इसके स्किन कैंसर के लेवल पर जो हार्डनेस है उसको दूर करना, अगर आप उसको छेड़ोगे तो आपको पता है दोस्तों, है ना। इसलिए आजकल के लोग क्या करते हैं मॉडर्न साइंस में, उसमें केमिकल नाइट्रोजन का उपयोग करके फ्रीजिंग करते हैं, फिर उसको निकाल देते हैं और फिर कीमोथेरेपी देते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं। लेकिन दोस्तों मेरे पास ज्यादा नहीं, दो केसेस के डाटा मौजूद है, दोनों केसेस में मॉडर्न साइंस का फेलियर है। और फेलियर इतना खतरनाक आया दोस्तों क्योंकि जो फोटोडायनेमिक थेरेपी होती है ना, जिसमें लेजर लाइट का उपयोग किया जाता है, याद है आपको दोस्तों, है ना, यहाँ पर ड्रग्स को कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां पर डाला जाता है ना, इसको आप क्यूरेट करते हो और इलेक्ट्रो क्लासिफिकेशन का लेवल वहां पर मेंटेन करते हो दोस्तों। इसलिए याद रखना बायोलॉजिकल इम्यूनोलॉजिकली मेलानोमास जितने भी आजकल डेवलप हो रहे हैं उसका ट्रीटमेंट मॉडर्न साइंस में संभव नहीं है। अगर वहां पर किया जाता है तो एग्रावेशन होता है, पेशेंट की डेथ होती है ना। ये बहुत सारे लिटरेचर्स आपके पास भी अवेलेबल होंगे, आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो भी वहां पर ये मिलेगा। आप जितनी भी बुक्स, गोलवाला के बुक सबसे बेस्ट आती है मॉडर्न साइंस की, आप उसकी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को पढ़िए, आपको बहुत क्लियर अंडरस्टैंड आएगा कि हम क्या समझ रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं, दोनों में अंतर आता है। और जब हम दोनों चीज को समझते हैं हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आज मॉर्निंग क्लास में, एडवांस क्लास में एक ऐसे ही बंदा है, डॉक्टर है, जिनके अंकल को ब्रेन ट्यूमर था और मॉडर्न साइंस ने कह दिया आप ले जाओ सेवा कर लो। 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद जब MRI कराएगी तो उनका दर्द आधा हो गया और जो ब्रेन ट्यूमर है उसका साइज भी आधा हो गया। वो खुद डॉक्टर हैरान है जो हमारे ग्रुप में है, और वो डॉक्टर भी हैरान है, यार ऐसा क्या हो गया इनको, हमने तो कहा था सेवा कर लो और ये तो पूरा ठीक हो रहा है। अब वो डॉक्टर कहता लाओ अब तो मैं सर्जरी से निकाल सकता हूँ, है ना। पहले क्या था, ब्रॉडबैंड एरिया बहुत सारा एरिया कवर कर रहा था इसलिए डॉक्टर घबरा गए थे, लेकिन अब बोलते हैं कि हम सर्जरी कर देंगे। अब हमारा डॉक्टर बोलता है कि नहीं साहब सर्जरी की अब जरूरत नहीं है, मैंने अपने ट्रीटमेंट से आधा तो कर लिया है, आपने तो कह दिया था सेवा कर लो 1-2 महीने की, ठीक है हम 1-2 महीने की सेवा कर लेते हैं, अगर 5-10 साल जिंदा रहेगा तो हम लोग जीत गए, है ना। ये बेसिक साइंस है दोस्तों। हमारे दीपक सर है, दीपक सर ने भी इसी प्रकार के केसेस को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है दोस्तों। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत बढ़िया चीज होती है, इसलिए मैं कहता हूँ डरो मत, जो होगा सामने होगा दोस्तों, है ना। लगेगी तो आवाज आएगी, नहीं लगेगी तो आवाज नहीं आएगी दोस्तों, है ना। चलिए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। आपको मैं क्लियरली अंडरस्टैंड बता दूं, सन का एक्सपोजर हो रहा है ना, याद रख लेना सन का एक्सपोजर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो पहला प्रोटोकॉल तय होता है दोस्तों वो होता है वेन, ठीक है। और दूसरा प्रोटोकॉल यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा दोस्तों, ऑर्गेनोबूस्टर C3, ऑर्गेनोबूस्टर C2, ऑर्गेनोबूस्टर C5, ये तीनों प्रोटोकॉल यहाँ पर जबरदस्त काम करेंगे। क्योंकि अगर सुपरफिशियल लेयर पे तो कोई दिक्कत नहीं है ऑर्गेनोबूस्टर C5 या गैंग्रीनल फ्लूइड, अगर वहां से टिश्यू फ्लूइड के लेवल पर आ रहा है, स्किन के फ्लूइड के लेवल पर आ रहा है तो C2, या फिर यहाँ पर ड्राइनेस के लेवल पर आ रहा है, बहुत ज्यादा ड्राई कैंसर है C2, और अगर आपको नजर आ रहा है मेलानोमास का लेवल है तो C3 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिलेक्ट कीजिएगा, तीसरा प्रोटोकॉल अगर सुपरफिशियल लेयर पर हुआ तो सबसे पहला सिम्टम आएगा इचिंग, बहुत सीवियर इचिंग होती है, क्या करोगे, है ना, बहुत सीवियर इचिंग होगी, क्या करोगे आप, H5 C5 L1 VAR1 Y नेगेटिव, जितना नेगेटिव जा सकते हो आप देखो, ठीक। याद रखना दोस्तों जब आप यहां पर अप्लाई कराने की बात करोगे तो मैं सीधा आपको कहता हूं A2 APP C5G, है ना, D4 में अप्लाई कराओ या गैंग्रीन
फिनाइल डी4 लो, उसमें एपीपी के साथ मिक्स करके उसको अप्लाई कराओ, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों, है ना, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट वहां पर टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेंगे। यदि यहां पर और अच्छा आपको रिजल्ट चाहिए, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीरस मेम्ब्रेन, बेसल लेयर, मिलेनोसाइट के लेवल पर जाओगे तो नेचुरल टॉनिक में C13 वर्टू वाई जरूर देना। नेचुरल टॉनिक B6 में C13 वर्टू वाई जरूर देना दोस्तों, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है मेरे पास, दोनों केसेस में इसके रिजल्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से देखे, है ना, बहुत ब्रिलियंट रिजल्ट आते हैं दोस्तों। कई बार डीप साइडेड होता है तो यहां पर जो S5C5 है इसको हटाकर S2C2L1Y1 का उपयोग करिएगा D6 के लेवल पर या नेगेटिव के लेवल पर, और अच्छे रिजल्ट आपको नजर आएंगे। यहां पर अगर आपको और अच्छे रिजल्ट चाहिए, एपीपी को पॉजिटिव में दीजिएगा ग्लोबल्स के रूप में, आप एपीपी को पॉजिटिव में दीजिएगा ग्लोबल्स के रूप में, न्यूट्रिशन मिलता रहेगा, स्कीम का न्यूट्रिशन है वो तमाम लेवल पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आप सिंथेसिस सेकेंड डाइल्यूशन W मल्टीविटामिन 1 और 2 वहां पर कंटिन्यू चलाएंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको वहां पर मिलेंगे, बिकॉज इस कंडीशन में स्किन के लेवल पर जो विटामिन डी का प्रोडक्शन होता है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए वहां पर इसका भी प्रोटोकॉल आपको वहां पर देना पड़ेगा, ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं हम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि यहां पर हमने फ्रंटल एरिया की बात करी, आज हम बात करेंगे प्रीमोटर एरिया की, है ना। जब आप प्रीमोटर एरिया की बात करते हो दोस्तों तो यहाँ पर कौन सा एरिया होता है प्रीमोटर एरिया, ये लिखा हुआ है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये होता है प्रीमोटर एरिया, है ना, 6A 6B 8, है ना, नजर आ रहा ना, प्रीमोटर एरिया में 6 है ना, 6 8 44 और 45 एरिया जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों, ये है आपका 44 45 8 6, ये सारे एरिया जो होते हैं यहां से कनेक्ट करते हैं प्रीमोटर एरिया के लेवल पर, है ना। अगर ये एरिया का काम है तो क्या काम है दोस्तों, याद रखिएगा 6 8 44 और 45, है ना, याद रखना दोस्तों, जब इन एरियाज को समझोगे, ये प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स में प्राइमरी मोटर एरिया के इंटीरियर में होता है ना, यहां पर आपको नजर आ रहा है ना, ये प्राइमरी मोटर एरिया इस प्राइमरी मोटर एरिया के बिल्कुल फ्रंट में एंटीरियर में सिचुएटेड होता है, इसीलिए आपको ये याद रखने की जरूरत है, ये अगर एंटीरियर में तो जो मसल सिग्नल है उसका क्या होगा, है ना, ये मसल्स को मोटर सिग्नल को सेंड करने के द्वारा पोस्चुरल मूवमेंट के कंट्रोल के साथ कंसर्न रहता है, यानी इस एरिया को अगर हम फंक्शन के रूप में देख रहे हैं जो इस प्राइमरी मोटर एरिया के फ्रंट में है, ये आपके जो पोस्चुरल मूवमेंट है, आपका जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने का काम। अगर मैं आपको कहूं कि यहां पर आप S10 P1 F1 C1 W का उपयोग करिए तो क्या आप करेंगे, है ना, अगर करेंगे तो क्या पोस्चुरल मूवमेंट आपका कंट्रोल होगा, 100% पोस्चुरल मूवमेंट कंट्रोल हो जाएगा। क्यों कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि इस एरिया पर कमांड आपको पता लग गया कि कौन सी मेडिसिन का है दोस्तों, यही कारण है जब आप इस प्रीमोटर एरिया के फंक्शन या स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो एक एक को देखिए आप, ये पर्टिकुलर 6 है, ये उसके नीचे 8 है, यहां 44 है और मोर इंटीरियर में 45 है ना, इनका क्या काम, अब याद रखिएगा दोस्तों, है ना, इनका बहुत बड़ा काम होता है। जब प्रीमोटर एरिया स्ट्रक्चर में देखते हो प्राइमरी मोटर एरिया के बिल्कुल सिमिलर है ना, बिल्कुल सिमिलर है दोस्तों, केवल और केवल गैंग्लियो, जो गैंग्लियोनिक लेयर है वहां पर जॉइंट पिरामिडल सेल्स के एब्सेंट को छोड़कर, यहां पर आप देखो जो यहां पर जॉइंट पिरामिडल सेल्स होती है यहां पर नहीं पाई जाती, है ना, यहां पर जॉइंट पिरामिडल सेल्स नहीं पाई जाती, केवल इतना अंतर होता है ना, अगर इतना अंतर है तो उसके फंक्शन में भी उतना अंतर होगा दोस्तों। एरिया नंबर 6 जो होता है सुपीरियर मिडिल और इंफीरियर फ्रंटल गायरस के माध्यम से पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड हो जाता है दोस्तों, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोर्शन, है ना, यही कारण है दोस्तों 6B भी सब डिवाइड हो जाता है, अब देखो इसीलिए इसको 6A 6B मैंने कहा, ये सब डिवाइडेड है दोस्तों, और यही कारण है कुछ पिरामिडल ट्रैक के फाइबर यहाँ पर जो ओरिजिन प्रदान करते हैं वो अन्य जो कनेक्टिव एरियाज होते हैं ना, बिल्कुल जो एरिया नंबर 4 होता है, ये जो 4 और 4S, ये एरिया नंबर 4 होता है ना,
यहाँ से जैसे फाइबर आगे गए ना, यहाँ पर सिक्स ऐसे भी फाइबर पर्टिकुलर एरियाज में कनेक्ट हो जाते हैं, मैंने इसीलिए कहा कोलेटरल्स होते हैं, है ना। अगर ये चीज आपको नजर आ रही है तो आपको एरिया नंबर 6 का फंक्शन याद रखना है, क्या काम कर रहा है, उसके दो फंक्शन होते हैं। एरिया नंबर 4 के द्वारा इनिशिएट जो मूवमेंट होता है उसको कोऑर्डिनेशन करने के साथ कंसर्ट होता है, यानी यहां से 4 से जो फाइबर आए जो यहाँ 6A में आए और उसको बता रहे कि भाई मैं ये काम के लिए आगे जा रहा हूँ, क्या आप चल रहे हो, वो बोलता है ठीक है मैं भी कुछ फाइबर छोड़ देता हूँ आपके साथ, जाइए आगे, है ना। ये स्किल मूवमेंट का मोर एक्यूरेट और स्मूथ बनाने के लेवल पर हेल्प करता है दोस्तों, याद रख लेना। मेमोराइज कंडीशन बता रहा हूँ आपको कि आप जो काम कर रहे हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले कुछ भी नहीं आता था पढ़ाना, जैसे जैसे पढ़ते जा रहा हूँ मेरा नॉलेज बढ़ता जा रहा, आपको भी नॉलेज अच्छे से देता जा रहा हूँ, मेरा बेनिफिट हो रहा है, है ना। याद रखना ये जो स्किल मूवमेंट होता है इस स्किल मूवमेंट को मोर एक्यूरेट और स्मूथ बनाने में हेल्प करता है। यही कारण है ऐसा मानना जाता है कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिस्टम को कॉर्टिकल सेंटर में कनेक्ट करता है, है ना, उसके जो कॉर्टिकल सेंटर होता है ना उससे कनेक्ट रहता है दोस्तों। इसीलिए जब एरिया 6 के स्टिमुलेशन का इफेक्ट आप देखोगे कि भाई आपने ह्यूमन बींग से अगर हमारी बॉडी में इस एरिया का स्टिमुलेशन हो गया तो क्या होगा, ह्यूमन बींग में एरिया 6A के इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के कारण एरिया 4 के स्टिमुलेशन के जैसे सेम इफेक्ट को कॉज करेगा, बिकॉज जो 4 का फाइबर है 6A के फाइबर से कनेक्ट हो रहा है, तो जो 4 का फंक्शन होगा वही 6A का फंक्शन भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, यद्यपि जो स्टिमुलस होगा बहुत ही स्ट्रॉन्गर होता है दोस्तों, क्योंकि यहां से शुरू होगा और यहाँ आकर कहेगा चल आगे चलना है, ये मैसेज लाया हूं, ये और स्ट्रॉन्ग, हाँ चल ठीक है मैं भी चलता हूँ, और स्ट्रॉन्गर होकर वहां पर आगे की तरफ मूवमेंट करता है दोस्तों। यही कारण है एरिया 6 के रिस्पॉन्स को इवोक करता है, ये उदाहरण है इवोक करता है, हाँ चलो ठीक है मैं भी आता हूँ सामने, इस एरिया को स्टिमुलेटरी इफेक्ट के नाम से जाना जाता है, है ना। ये एरिया स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है, इसीलिए एरिया 6A के स्टिमुलेशन के कारण आप जब देखते हो आप खड़े हो, है ना, आपको याद रखना है इस एरिया नंबर 6 का अगर कहीं पर भी स्टिमुलेशन होगा ना आप वहां पर क्या करोगे, हेड का रोटेशन, है ना, याद रखना आईज में ट्रंक की अपोजिट साइड के टूवर्ड मूवमेंट करने के लेवल पर जनरल जो पैटर्न होता है उसमें ये कंसीडर करता है, उस पैटर्न को कराने का काम करता है। अर्थात मान लो पीछे से किसी ने आवाज दी, क्या करोगे आप, आंखों ने ऐसे खड़े खड़े करोगे या ऐसे करके करोगे, है ना, कोई ने आवाज दी यार ठीक है मैं बोल के देखता हूँ, आपने ऐसे करके देखा, है ना। ये जो पूरा मूवमेंट होता है ना इस एरिया के कंट्रोल में होता है, 6A के कंट्रोल में, याद रखना दोस्तों आपकी आंखें टूवर्ड ट्रंक, आपके नीचे आपके साइड में मूवमेंट कराने में 6A एरिया का रोल दिखाती है दोस्तों। तो 6B का क्या रोल होगा दोस्तों, है ना, अगर 6A ये काम कर रहा है तो 6B उसी से कनेक्टेड है, अब उसी से कनेक्टेड है तो डेफिनेटली उसका कहीं ना कहीं स्टिमुलेशन करेगा, सपोर्ट करेगा, है ना। 6B का स्टिमुलेशन रिदमिक कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट को प्रोड्यूस करेगा, यानी इस रिदम को जो इन्होंने शुरू किया है उस रिदम को वहां पर मेंटेन करेगा, कॉम्प्लेक्स करेगा, अलग अलग लेवल पर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट को प्रोड्यूस करेगा, जिसमें आपकी फेस, है ना, आपकी बकल कैविटी, आपका लैरिंग्स, आपका फेरिंग्स जो मालिक होती है वो उसमें सब इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। आपको ये विशेष तौर से याद रखना है जितनी भी मसल्स होती है ना ये सब इसमें लीगली इन्वॉल्व हो जाती है दोस्तों, और यही कारण है यहाँ पर एरिया नंबर 6 के लीजन का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ये जो एरिया नंबर 6 है इसके लीजन का इफेक्ट आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेगा, ये एरिया का लीजन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है तो आपको याद रखना है क्या मिलेगा, है ना। अगर आप मंकी में इसका प्रैक्टिकल किया गया मॉडर्न साइंस के द्वारा एरिया 6 के लीजन या रिमूवल के कारण मंकी में लॉस ऑफ स्किल मूवमेंट हो गया, यानी उसका जो स्किल मूवमेंट था बिल्कुल फेल हो गया, ठीक है। जो मूवमेंट होता है वो अवकंड हो जाता है, यानी वो एकदम से भौचक्का रह जाता है कि यार ये क्या हो रहा मेरे साथ, है ना। ये ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्सेस को भी प्रोड्यूस करता है, जो आप निगलने की क्षमता एकदम से आपको अटक जाता है तो आप कैसे घबरा जाते हो ना, ये गैस्पिंग मूवमेंट को भी यहाँ पर प्रोड्यूस करता है दोस्तों। यही कारण है एरिया 4 और एरिया 6 दोनों की बात करते हैं, यदि एरिया 4 और एरिया नंबर 6 यदि दोनों में लीजन हो जाए, है ना, एरिया 4
और एरिया 6 में लीजन हो जाने के कारण दोस्तों याद रखना, भूलना मत, एरिया नंबर 4 एरिया नंबर 6 में लीजन हो जाने के कारण हेमिप्लेजिया डेवलप हो जाता है। याद रख लेना, हेमिप्लेजिया डेवलप हो जाएगा, स्पास्टिक पैरालिसिस के सीवियर सिम्टम प्रोड्यूस होंगे दोस्तों। माइंड करना आप इस बात को, माइंड करना, और यही कारण मैं आपको प्रोटोकॉल बताते जा रहा हूं, है ना। यहां पर जब एरिया नंबर 4 और 6 अफेक्टेड होगा, हेमिप्लेजिया होगा, और हेमिप्लेजिया के कारण स्पास्टिक पैरालिसिस, है ना, उसके सीवियर सिम्टम यहां पर प्रोड्यूस करेगा। अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी को आप यहां पर पूछ रहे हो कि भाई हेमिप्लेजिया का प्रोटोकॉल बता दो, आप पूछ रहे हो नहीं साहब स्पास्टिक पैरालिसिस का प्रोटोकॉल बता दो, है ना। आपको ये देखना है प्रोटोकॉल क्यों पूछूं मैं, मुझे पता है एरिया नंबर 4 और एरिया नंबर 6 को अगर मैंने न्यूट्रिशन दे दिया मेरा हेमिप्लेजिया ठीक हो जाएगा, मेरा स्पास्टिक पैरालिसिस ठीक हो जाएगा, जितने भी सीवियर सिम्टम्स है जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे, है ना। क्यों ठीक होंगे, अगर मान लो यहां सब एरकनाइड हिमोरेज हुआ, क्या करोगे, है ना, सब एरकनाइड हिमोरेज हुआ है तो डेफिनेटली यहां पर ब्लड क्लॉट हुआ, है ना, और ब्लड क्लॉट के कारण आप देखो पैरालिसिस होता है, कई बार हेमिप्लेजिया होता है, कई बार पैराप्लेजिया होता है, कई बार स्पास्टिक पैरालिसिस होता है ना, सीवियर सिम्टम प्रोड्यूस होता है। यहां पर आपको मालूम होना चाहिए C11 का रोल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, BE का रोल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रोटोकॉल्स को समझेंगे आपका रिजल्ट ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगा कि हाँ साहब मैं D5 में अगर इस प्रोटोकॉल्स को चलाऊंगा मुझे सॉलिड रिजल्ट यहाँ पर मिले, है ना, बिकॉज ऑफ दिस, करेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं एरिया नंबर 8 की बात करते हैं। याद रख लेना एरिया नंबर 4 और 6 किससे मैंने कनेक्ट कराया, हेमिप्लेजिया के साथ, स्पास्टिक पैरालिसिस के साथ, सीवियर सिम्टम यानी पोस्टुलर मूवमेंट जो होता है आपके डिफेक्टिव होता है उसका सीधा लिंक मैंने यहां पर आपको दिखा दिया। एरिया नंबर 8, है ना, ये जो फ्रंटल आई फील्ड देख रहे हो ना, याद रखना एरिया नंबर 8 को फ्रंटल आई फील्ड के नाम से जाना जाता है ना। फ्रंटल आई फील्ड कहते हैं दोस्तों ये प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स में जो एरिया नंबर 6 होता है उसके बिल्कुल एंटीरियर में स्थित होता है दोस्तों, है ना। ये आईबॉल के मूवमेंट के साथ कंसर्न होता है ना, आईबॉल का मूवमेंट जो होता है उसके साथ टिपिकली कंसर्न होता है, इसीलिए कनेक्शन ऑफ एरिया नंबर 8 आप देख लीजिए आपको क्लियर हो जाएगा आपको क्या प्रोटोकॉल देना है, आई फील्ड के साथ आप यहाँ पर किस चीज को कनेक्ट कर रहे हो आपको खुद को समझ में आएगा। एफरेन इनपुट कनेक्शन, यानी याद रखना एफरेन इनपुट कनेक्शन ऑक्सीपिटल लोब, और ये आपका जो पर्टिकुलर ऑक्सीपिटल लोब है जो थैलेमस है उसके जो डॉर्सो मीडियल न्यूक्लियस है यहाँ पर जो डॉर्सो मीडियल न्यूक्लियस होता है उसमें कनेक्ट होता है, और जो इफ्रेन यानी जो वहां से बाहर निकलेगा वो कनेक्शन मिडब्रेन के जो टेगमेंटम होता है जो ऑक्यूलोमेटर न्यूक्लियस होता है उससे कनेक्ट होता है। यही कारण है आप जब यहां से अंदर और बाहर के फंक्शन देख रहे हो तो एरिया नंबर 8 का फंक्शन भी देख लो आप। फ्रंटल आई फील्ड में आई बाल का जो कंजुगेटेड मूवमेंट होता है उसके साथ कंसर्न होता है, यानी आप इसकी सुपीरियर इंफीरियर और लेटरल मीडियल, है ना, रेक्टस मसल्स होती है, ये अलग अलग मसल्स होती है, कोई सुपीरियर कोई इंफीरियर कोई मीडियल कोई लेटरल लेवल पर लेकर जाते हैं इसको, इनके कोऑर्डिनेशन के लेवल पर जिम्मेदार होता है ना, इसीलिए ये एरिया आईबॉल के वॉलेंट्री स्कैनिंग मूवमेंट को इनिशिएट करता है, यानी आप कभी इधर देख रहे हो कभी ऊपर कभी नीचे, है ना, कभी मीडियल कभी लेटरल, आप सब तरह से इनिशिएट कर रहे हो ना, उसको इनिशिएट करने का काम करता है। यानी ये कोई भी चीज अगर आपके सामने जा रही है विजुअलिटी के लेवल पर आ रही है विजुअल स्टिमुलाई के इंडिपेंडेंट होता है, यानी ये उसके इंडिपेंडेंट काम करता है दोस्तों, और इसी के माध्यम से आपके ब्रेन को नॉलेज होता है, आईज जो देख रहा है जो समझ रहा है जो आपके बॉडी में हो रहा है ये सारी चीज साइमल्टेनियसली यहाँ पर जो डेवलप हो रही है ये इसी एरिया नंबर 8 के अकॉर्डिंग हो रही है ना। अगर ये चीज आपको पता है ये आईलिड की ओपनिंग और क्लोजिंग, है ना, प्यूपिलरी डायलिटेशन और जो लैक्रिमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, आपको ये विशेष तौर से याद रखना है कि जो एरिया नंबर 8 है आईलिड के ओपनिंग और क्लोजिंग, प्यूपिल के डायलिटेशन होना, है ना, और लैक्रिमेशन आंसुओं के ज्यादा होने से भी रिस्पॉन्सिबल,
अगर किसी व्यक्ति को आई सर्जरी के बाद या आई डिसीज के बाद या न्यूरोलॉजिकल को डेफिशिएंट होता है ऑप्टिक नर्व के लेवल पर, उसके बाद में अगर आईलिड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग प्रभावित हुआ तो डेफिनेटली आप देखिए प्यूपिलरी डायलेटेशन अफेक्टेड हुआ है ना, उसके लेक्रा मेसन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हुआ। अगर ये कंडीशन हुई तो आप सोच लीजिएगा दोस्तों उस पेशेंट की कंडीशन क्या है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वहां पर ये पूरे प्रोटोकॉल्स आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी कि जो क्लोजिंग होती है पेपिलरी डायलेटेशन लेक्रामेशन के लिए वो वहां पर रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों। यही कारण है जब एरिया नंबर 8 में किसी भी प्रकार का इफेक्ट होगा, लीजन डेवलप होगा, आपको उसका इफेक्ट तो क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्या समझते हो, है ना, बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड है। इस एरिया के लीजन के कारण आई अफेक्टेड हो जाती है, आई साइट जो होती है वो टर्न हो जाती है दोस्तों, है ना, आई का जो कंजुगेटेड मूवमेंट होता है वो पूर्ण रूप से लॉस हो जाता है। प्यूपिल्स और आईबल जो पर्टिकुलर आईलिड्स होती है वो अफेक्टेड नहीं होता है, जो प्यूपिल्स होता है जो आईलिड्स होते हैं वो अफेक्टेड नहीं होते, लेकिन जो आईज बाल का जो मूवमेंट होता है वो अफेक्टेड होता है। याद रखना इस बात को, अगर आप यहाँ पर उल्टा कर गए तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको ये केवल याद रखना है आईलिड्स का पर्टिकुलर डायलिटेशन रिलैक्सेशन, प्यूपिल का डायलिटेशन अफेक्टेड होता है, प्यूपिल अफेक्ट नहीं होता है ना, याद रख लेना। आईलिड्स अफेक्टेड नहीं होता, जो अपर और लोअर आईलिड्स है वो अफेक्टेड नहीं होता, लेकिन डायलिटेशन रिलैक्सेशन मूवमेंट ऑफ मसल्स वो अफेक्टेड होता है, बिकॉज मसल्स से नर्व का कोऑर्डिनेशन है ना, मसल से नर्व का कोऑर्डिनेशन फेल हो रहा है। जब टोसिस होता है वो एक अलग कारण है, उसका रीजन मैं अलग बताऊंगा और उसका पर्टिकुलर ट्रैक अलग बताऊंगा, लेकिन 8 नंबर जो होता है दोस्तों यही तक काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों ब्रोकास एरिया, जो ब्रोकास एरिया होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये है आपका 44 और 45 है ना, ये ब्रोकास एरिया कहलाता है ना, आपको याद रखना है ब्रोकास एरिया। हमने यहाँ देखने की बात करी 8 नंबर, लेकिन अब बात करें स्पीच का, बोलने का है ना। ब्रोकास एरिया स्पीच के लिए मोटर एरिया होता है, याद रख लेना मोटर एरिया होता है प्रोटोकॉल, क्लियर। और यही कारण है पहला प्रोटोकॉल आपको यही से समझ में आना चाहिए, कोई आदमी अगर तूतला बोलता है ना, कोई आदमी रुक रुक के बोलता है, मोटर एरिया है, प्रोटोकॉल बताइए, क्या S5F1 टच होते हुए नजर नहीं आ रहा है ना, S5F1 मोटर एरिया के लेवल पर टच होते हुए नजर नहीं आ रहा, अगर आ रहा है यू आर ट्रू, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हो दोस्तों, है ना। एरिया नंबर 44 और एरिया नंबर 45 इंक्लूड होते हैं जो ब्रोकास एरिया कहलाता है, और ये एरिया स्पीच एरिया होता है दोस्तों, है ना। ब्रोकास एरिया लेफ्ट हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है दोस्तों, है ना, डोमिनेंट हेमिस्फीयर होता है राइट हैंडेड पर्सन में, राइट हैंडेड पर्सन में लेफ्ट साइड के हेमिस्फीयर में प्रेजेंट रहता है, माइंड कीजिएगा इस बात को, है ना, और लेफ्ट हैंडेड के पर्सन में राइट हेमिस्फीयर में प्रेजेंट होता है, याद कर लीजिएगा इस बात को, है ना। अगर कोई व्यक्ति को बोलने के प्रॉब्लम्स हैं तो आप याद रखना कोई राइट हैंडेड है तो लेफ्ट में होगा, लेफ्ट हैंडेड है उसको राइट में होगा, यही कारण है दोस्तों। ये इंटीरियर फ्रंटल गायरस में सिचुएटेड, जो प्री मोटर कॉर्टेक्स होता है उसके एक स्पेशल रीजन में होता है दोस्तों, है ना। अगर स्पेशल रीजन में तो भाई स्पेशल रीजन क्या, आप क्या कहना चाहते हो। एरिया नंबर जो 44 होता है ये प्रास्ट, यहाँ पर एक कई वर्ड्स होते हैं जो एनाटॉमिकल होते हैं, हम जब डीप में जाएंगे तो बहुत सारा समय व्यतीत होगा, हम केवल नाम सुन के छोड़ देते हैं। पास्ट ट्रायंगुलरिस, यानी यहाँ एक ट्रायंगल बनता है दोस्तों, है ना, इस ट्रायंगुलर में एरिया नंबर 45 इस गायरस के पास्ट जो ओपिकुलरिस होता है, यानी वहां पर तीन एरिया है, एक ये एक ये एक ये, यहां पर जो बीच में ओपन वाला एरिया होता है जिसको पास्ट ओपरक्युलरिस कहते हैं, वहां पर दोस्तों ये सिचुएटेड होता है ना। अब ब्रोकास एरिया अगर है स्पीच से रिलेटेड है, इसके फंक्शन क्या हुआ और आप और मैं क्या काम करेंगे इसके लिए, है ना। याद रखना ब्रोकास एरिया आपके टंग, आपकी लिप्स, है ना, आपके लैरिंग्स के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, जो कि स्पीच में इन्वॉल्व होता है। और इसीलिए मैंने आपको क्लियरली अंडरस्टैंड करते हुए बताया था, यदि किसी को तुतलाने में प्रॉब्लम आती है, बोलने में प्रॉब्लम आती है, S5C13 F1A3 VEN1 WE सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल होगा। इसके बाद में मसल्स के टिप्स में प्रॉब्लम है, टंग की साइज छोटी है, टंग की साइज बड़ी है, टंग का पोस्टीरियर एरिया मोटा है, या पर्टिकुलर वोकल कार्ड पतला है, मोटा है, क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन देयर मे बी मोर प्रोटोकॉल्स, और प्रोटोकॉल वहां पर इस प्रकार से एड होता है दोस्तों।
अगर आपको नजर आ रहा है तो आपको याद रखना है कि जब ये स्पीच के लेवल पर कनेक्ट हो रहा है, टंग लिप्स लैरिंग्स के मूवमेंट यहाँ पर उनके लेवल पर रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, अगर मान लो इसका लीजन हो गया तो क्या होगा, है ना, याद रखना एफेजिया हो जाएगा, है ना, एफेजिया हो जाएगा, गुंगा तूतला, है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन वहां पर एफेजिया डेवलप होता है। यही कारण है जब हमें ये पता लग रहा है ना, प्रोटोकॉल अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेट हो रहा है ना, और सेट होने के बाद रिजल्ट भी आ रहे हैं। हमारे कई मित्र हैं जिन्होंने तोतले बोलने वाले पेशेंट के आवाज में दम ला दिया है ना, कई लोग जिनका आवाज नहीं निकलती तो उनकी आवाज ला दी है ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन्हीं चीजों को समझकर मेरी भी आवाज आई थी, है ना। सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने हो दोस्तों, इन्हीं चीजों के बदौलत मैं आज बोल पा रहा हूँ, इतनी तकलीफ के बावजूद मैं बोल पा रहा हूँ, है ना। अभी मैंने कुछ लोगों के साथ, कुछ डॉक्टरों के साथ 10 दिन गुजारे, मेरे आदरणीय बड़े भाई सुमेश जी, मल्लिका मैम, 2 दिन इनके साथ रहा हूँ दिल्ली में। बहुत सारी चीजों पर हमारे पर्सनल डिस्कशन हुआ, बहुत सारे मैटर्स हमने क्लोज किए, बहुत सारे ओपन किए। दूसरा हमारा डॉक्टर गुरु सर के साथ, और करीब करीब 12-15 डॉक्टर और भी हमारे यूपी के भाई बहन आए थे, दीप्ति मैम है, गुजर सर है, हमने वहाँ पर बहुत लंबा डिस्कशन किया, राम सोनी सर है आदरणीय, हम लोगों ने बहुत लंबा डिस्कशन किया, बहुत सारी हमने चीजें आधार प्रदान करी, बहुत सारी चीजें हमको सीखने को मिली। 152 पेशेंट हमने वहां पर देखे जिसमें काफी कैंसर के पेशेंट थे। उसके बाद पानीपत राकेश सर और गुंबर सर के साथ में समय बिताने का मौका मिला, और भी 2 डॉक्टर्स वहां पर हमें मिले जो अदर ग्रुप के थे, उनको भी हमने, आदरणीय साई सर मिले, उनको भी हमने गाइड किया। ऐसा नहीं कि हमारे ग्रुप में नहीं तो हम गाइड नहीं करते, है ना। और आज हमको जो सीखने को मिला है वो बहुत बेहतरीन इलाके के बाद से मेडिसिन का फीडबैक देखने को मिला, है ना। गुरु सर से बात हुई, उन्होंने कहा 152 में से 50 से प्लस पेशेंट का फीडबैक विद इन 5 to 6 days मिले। मेरी कल ही बात हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम सप्लीमेंट्री मोटर एरिया की बात करते हैं। आप जो यहाँ पर डिफरेंट एरिया नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे एरिया नजर आ रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर ब्रोकास एरिया हो गया, ये ऑडिटरी साइकिक एरिया 22 नंबर है, ये प्राइमरी ओकुलर ऑडिटरी एरिया है दोस्तों, है ना, ये वर्निक्स एरिया है। ये जितने भी एरियाज होते हैं, ये एरियाज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं, क्योंकि ये एरियाज कनेक्ट होकर कोलेटरल्स काम करते हैं। एक फाइबर का स्टिमुलेशन दूसरे पे, दूसरे का तीसरे पे होता है, इसलिए याद रखना दोस्तों। सप्लीमेंट्री मोटर एरिया यहाँ पर एरिया फ्रंटल लूप के मिडिल सरफेस में सिचुएटेड होता है, मिडिली, है ना। जो प्राइमरी मोटर जो एरिया होता है ना, उसमें रोस्टेड होता है दोस्तों, यही कारण है इस एरिया के जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होता है यहाँ पर, याद रखना दोस्तों। जो चबूतरे पे बैठते हो ना, एक आदमी तो बैठता नहीं, चबूतरा बना रखा है तो कई लोग आके गप्पे मारते हैं, ये एरिया इस प्रकार का होता है ना। इस एरिया के इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस चबूतरे के द्वारा डिफरेंट प्रकार के मोटर मूवमेंट को एलिसिएट करते हैं, यानी ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, यानी 4 एरिया की बात है, कौन जीतेगा, क्योंकि बीजेपी जीतेगी, वो बोले नहीं कांग्रेस जीतेगी, है ना, वो बोले नहीं तीसरी पार्टी जीतेगी, वहां पर 4 आदमी मिलकर सारे लोग बात करते हैं, और सारे लोग मिलकर बात करते हैं, वहां पर निकल के आते हैं, नहीं साहब, कई लोग बोल रहे हैं नहीं साहब, ज्यादातर लोग बोल रहे कांग्रेस आए, हाँ भाई कांग्रेस जीते, ठीक है। तो ये एरिया इसी प्रकार का होता है, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, जो यहाँ पर मोटर फंक्शन जो ब्रेन के लेवल पर कोऑर्डिनेटेड वे में हो रहा है, डिफरेंट प्रकार के मोटर मूवमेंट को इलिसिएट करने का काम कर रहा है, याद रखना मोटर मूवमेंट, है ना। इसीलिए जैसे कि एंटीरियर लेटरल आर्म का राइजिंग आप देख लो, है ना, ये आर्म का राइजिंग कर रहा हूं मैं, हेड का टर्निंग, ये जो हैंड का टर्निंग कर रहा हूं, एक मसल नहीं कर रही, कोई एक ब्रेन का पार्ट नहीं कर रहा, सप्लीमेंट्री मोटर एरिया कोऑर्डिनेटेड कर रहा है दोस्तों, है ना। इसीलिए आई का टर्निंग होना, है ना, अभी हमने पढ़ा कौन सा एरिया आई को टर्निंग कर रहा है ना, ट्रंक और लेग्स की स्ट्रेंथनिंग मसल्स का मूवमेंट होना, आपके पेट का, आपके लेग्स की मसल्स का आपको टर्न हो रहा था, मुझे यही का ही टर्न होकर बता दो, टर्न हो पता लग जाएगा, नहीं ना, आप पूरा आपको लेग्स घुमाना पड़ेगा जब आप टर्न हो, है ना। तो ये कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो होता है ना, वहां पर ये सप्लीमेंट्री मोटर एरिया सपोर्ट करता है। अगर आप इस सप्लीमेंट्री मोटर एरिया के फंक्शन को समझ रहे हो तो क्या समझ रहे हो, है ना दोस्तों, मॉडर्न साइंस कहता है ये बहुत ही सुपर एरिया है,
और इसके फंक्शन को समझना बहुत मुश्किल है। इस एरिया का एग्जैक्ट फंक्शन इजीली डिमॉन्स्ट्रेट नहीं होता, अंडरस्टैंड नहीं होता, लेकिन मॉडर्न साइंस की कई थ्योरीज ऐसी मानती है दोस्तों कि ये कोऑर्डिनेटेड स्किल मूवमेंट के लेवल पर जाना जाता है, उससे कंसर्न रहता है। यानी आपके बॉडी में जितना भी कोऑर्डिनेशन होता है इसी सप्लीमेंट्री मोटर एरिया के वर्क के कारण आपको देखने को मिलता है। यही कारण है अगर आपके बॉडी में इस सप्लीमेंट्री मोटर एरिया का किसी भी प्रकार से लीजन हो जाए और उसका इफेक्ट डेवलप होगा तो ह्यूमन बींग में इस एरिया के लीजन के कारण दोस्तों आपका हेड, आपके आईबॉल का जो अफेक्टेड साइड की तरफ टर्न हो जाएगा। यानी मान लो आपका राइट साइड में अफेक्टेड है, इस प्रकार से राइट साइड में टर्न हो गया, लेफ्ट साइड अफेक्टेड है, लेफ्ट साइड में टर्न हो गया। ये जो होता है ये मूवमेंट आपको समझना है। आप कहते हो ना अरे यार स्टीफनेस आ गई, जा ही नहीं रही, आप समझ लेना लीजन डेवलप हो रहा है ना। आप जब वहां पर एक्सटर्नल अप्लाई कराते हो, अब यहां पर एक्सटर्नल अप्लाई का महत्व भी समझो। आप D4 D5 D6 में कराओगे तो रिजल्ट मिल रहा है क्या, आप मुझे बता दो, आप करके देख लो, है ना। आप सेल और टिश्यू फ्लूइड तक ही काम कर पाओगे D6 तक। अगर आपको मसल्स और नर्व का कोऑर्डिनेशन करना है, यू कैन गोइंग टू 200 डायलेशन एंड 1000 डायलेशन विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल। आप इंटरनल तो छोड़ दीजिए, आप वहां पर 200 और 1000 को एक्सटर्नल अप्लाई कराएंगे, आपको रिजल्ट दोगुना बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि आपने न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन को जागृत कर दिया, स्टिमुलेशन कर दिया, आपने 200 गुना ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर दी, है ना। यही कारण है यहाँ पर जो लेग्स की जो मसल्स होती है, जो हेड की मसल्स होती है, तुरंत एक्टिवेट हो जाती है दोस्तों, और रिलैक्सेशन विद इन वन डे 24 आवर्स पेशेंट में आप देख लीजिए। इसीलिए आपको याद हो जब ये क्लास शुरू हुई थी तो एक मैम ने कहा था कि S10 का 200 मैंने लगाया और मुझे रिलीफ हो गया। कुछ कहते हैं हमने S11 का 200 लगाया हमको रिलीफ हो गया, ये क्यों हो रहा है ना। अभी तो हमने अधूरा काम किया, जब आप पूरा काम करोगे आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा दोस्तों, है ना। इसलिए याद रखना दोस्तों, जब यहाँ पर अफेक्टेड साइड आईबॉल अगर वहां पर है ना टर्न हो रही है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कारण है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स, है ना। यहाँ पर जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स या जो आपका ऑर्बिटो फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है उसका बहुत बड़ा रोल आपको नजर आएगा दोस्तों। यही कारण है ये जो पर्टिकुलर पार्ट होते हैं, है ना, ये जो पर्टिकुलर पार्ट होते हैं, ये जो कनेक्शन होते हैं, ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के फ्रंटल लोब का एंटीरियर लोब होता है दोस्तों, और इस इनफ्रंट के एरिया में 8 और 44 नंबर आता है ना। हमने देखा था यहाँ पर 8 and 44, ये फ्रंटल एरिया में सामने आ रहा है। लेकिन याद रखने की जरूरत है दोस्तों, मीडियल, लेटरल और इंफीरियर सरफेसेस में ऑक्यूपाइड होता है ना। ये दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर इस रूप में ऑक्यूपाइड हो रहा है, तो यहाँ पर मीडियल, लेटरल और इंफीरियर सरफेस जब पाई जाएगी तो ऑर्बिटल गायरी, मीडियल फ्रंटल गायरस और सुपीरियर मीडियल इंफीरियर फ्रंटल गायरी, है ना, ये एंटीरियर पार्ट में वहां पर इंक्लूडेड हो जाएगा। इसलिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जो एरिया प्रेजेंट रहेंगे वो होगा 9, 10, है ना, 11, 12, 13, 14, 23, 24, 29, 20, 32, ये जो मीडियल सरफेस पर पाए जाएंगे दोस्तों, मीडियल सरफेस पर। और यही कारण है एरिया नंबर जो 9, 10 और 11 लेटरल सरफेस पे पाए जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर जब आप यहाँ पर देखेंगे ये आपको नजर आएगा, है ना, ये लेटरल सरफेस था, ये मीडियल सरफेस था, और यही कारण है जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स का जब कनेक्शन देखोगे ना, ये कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब कोई अफ्रेंड इफेक्ट आता है, यानी डॉर्सो मीडियल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस के लेवल पर, हाइपोथैलेमस के लेवल पर, कॉर्पस स्ट्रेटम के लेवल पर, जब आपके ब्रेन में इन मेजर ऑर्गन के लेवल से इंपल्सेस आएंगे दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा और भी दो पार्ट आपको बताऊं, एमिग्डाला एंड मिड ब्रेन, ये कनेक्ट होते हैं। और इसीलिए एरिया नंबर 23, 24, 29 और 32, है ना, थैलेमस के एंटीरियर न्यूक्लियस के फाइबर को रिसीव करते हैं। वहां से एंटीरियरली जो आपके आंखों से दिख रहा है, यहाँ फ्रंटल लेवल पर फाइबर से यहां से आगे की तरफ जा रहा है और वहां पर ही कनेक्ट कर रहा है। इसीलिए एरिया नंबर 32 जो प्रीसेंट्रल कॉर्टेक्स के सुपीरियर एरिया से फाइबर को रिसीव करेगा, ये एफरेंट सेंसेशन को ब्रेन की तरफ लेकर जा रहा है। यहां से चला यहां पर कोऑर्डिनेटेड हुआ, यहां से चला यहां पर कोऑर्डिनेटेड हुआ,
ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट एफरेंट चैनल होता है। अब यहां पर आ गया इफरेंट चैनल का काम है, जो इफरेंट कनेक्शन होता है दोस्तों वो भी इसी प्रकार से थैलेमस, हाइपोथैलेमस, कॉर्डेट न्यूक्लियस है ना, टेगमेंटम, पोन्स, टेम्पोरल लोब ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, उनके माध्यम से यानी यहां नीचे से कनेक्ट करेगा दोस्तों। और ये कारण है जब आप इसके फंक्शंस को देखेंगे तो आपको याद रखने की जरूरत है एरिया नंबर 13 है ना, हिपोकैम्पस के साथ साथ है ना आपके अंकस और एमिग्डाला फोर्निस के वाया हाइपोथैलेमस की जो मेमोरी बॉडी देखी थी उसके फाइबर को वहां पर सेंड करता है ना। यही कारण है ये इमोशनल रिएक्शन के साथ कंसर्न होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने, ये एरिया इमोशनल कंसर्न से जुड़ा होता है, जितनी भी इमोशनल जो रिएक्शंस होती है उसके साथ कंसर्न होता है दोस्तों। यही कारण है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के फंक्शन भी आपको देखने की जरूरत है ना। अर्लियर जो हम लोगों ने साहित्य पढ़ा था है ना, एरिया जो यहाँ पर है इनएक्साइटेबल टू इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के जैसे कंसिडर रहता था दोस्तों, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार का एक्साइटेशन आपको देखने को नहीं मिलता, इसीलिए इसको साइलेंट एरिया या एसोसिएशन एरिया कहते हैं है ना। बिल्कुल साइलेंटली काम करता है, सबको मिलकर काम करता है, एसोसिएशन के रूप में काम करता है ना। यही कारण है दोस्तों जब ये माना जा चुका है कि इस एरिया के स्टिमुलेशन के साथ लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस के कारण है ना, बहुत लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होता है, इसलिए आपका डाइजेस्टिव, कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम और बहुत सारे ऑटोनॉमिक फंक्शन भी है ना याद रखना एक्टिविटी में यहाँ पर दोस्तों चेंजेस ला देते हैं है ना, इसीलिए इनमें सब चेंजेस होता है। अगर आपके ब्रेन में कोऑर्डिनेशन बिगड़ा ना तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और बहुत सारे ऑटोनॉमिक फंक्शन ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ S1F1 1000। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार ये फंक्शन डिस्टर्ब ना हो उसके पहले उसको कंट्रोल कर लो, डिसीज का एक्सपेंशन ना हो उसके पहले कंट्रोल कर लो, इसीलिए मैं बार बार आपको कहता था। इसी के कारण फियर भी होता है दोस्तों है ना, अगर ये कोऑर्डिनेशन बिगड़ा ना इसी के कारण फियर भी डेवलप होता है। इसीलिए प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के लेवल पर जब आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन देखते हो ना तो आपको क्या देखने को मिलता है, हायर फंक्शन के सेंटर को फॉर्म करता है। अब हायर सेंटर का फंक्शन क्या हुआ, आप कहते हो साहब मेमोरी बढ़ा दो, आप कहते हो साहब नहीं इमोशन की बात करो, इमोशन, लर्निंग, मेमोरी, सोशल बिहेवियर, शॉर्ट टर्म मेमोरी यहीं पर रजिस्टर हो। इसलिए मैंने कहा था S1C1A1F1W2 डाइल्यूशन, S1230 डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेट बढ़ाता, उसका रीजन मैंने आपको बताया था, यहां से जो फाइबर जा रहे हैं यहां पर कोऑर्डिनेटेड हो रहे हैं है ना, और कोऑर्डिनेटेड हो रहे हैं तो ये एरिया सब मिलकर ये पूरे फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इनका महत्व नजर आ रहा है ना। ये प्लांड एक्शन के लिए सेंटर का काम करता है कि जो भी काम आप कर रहे हो एक प्लांड वे में करो, सोचो समझो उपयोग करो, ये प्लांट वे में आप कर रहे हो दोस्तों। ये एरिया इंटेलिजेंस की सीट होता है, इसीलिए इसे ऑर्गन ऑफ माइंड कहता है। ये जो एरिया होता है ना एक ऑर्गन ऑफ माइंड के रूप में काम करता है। आप देखो कई बच्चों को फर्स्ट टाइम बोलने में आप जब क्लास में जाते हो आप देखते हो कई बच्चे ऐसे होते हैं एक बार में उनको समझ में आ जाता है, आप समझ जाओ उनका ये एरिया बहुत एक्टिव है ना। ये एरिया इंडिविजुअल के पर्सनालिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए जो आदमी रिपीटेडली एक काम करता है धीरे धीरे उसका माइंड भी उसी प्रकार से सेट हो जाता है ना, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना, वो उसी एरिया में चला जाता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अरे यार मुझे तो याद ही नहीं रहा यार आपने क्या कहा था, आप कब मिले थे मुझे है ना, ये इसलिए हुआ क्योंकि आप रिपीटेडली नहीं मिले, आपने उस चीज को पढ़ा नहीं, क्लास में पढ़ के घर पढ़ लिया खत्म, काम आपको मेमोराइज हो जाएगा, लेकिन आपने क्लास में पढ़ा चल कल पढ़ लेंगे, कल दूसरा चालू हो गया पहला रह गया, आपको वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला गया, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट नहीं हो पाया, आपके प्रॉब्लम वहां पर डिजॉल्व हो गए है ना। इसलिए मैं कहता हूं आज मैंने पढ़ाया कल सुन लो एक घंटा, आपको गारंटी देता हूं आपके मेमोराइज हो जाएगा दोस्तों है ना। मैक्सिमम जब आप एक टाइम करोगे कुछ लोगों को 100%, कुछ को 70%, कुछ को 60%, कुछ को 50%, कुछ को 20% आएगा है ना। जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इमोशनल कंडीशन के दौरान डिफरेंट प्रकार के ऑटोनॉमिक चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, क्यों, क्योंकि इसके कनेक्शन हाइपोथैलेमस ब्रेन स्टेम के साथ होते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कोलेटरल्स होते हैं, ब्रेन का पूरा फंक्शन कोलेटरली काम करता है। इसीलिए दोस्तों अगर इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के लेवल पर अगर आप ये
हाइपोथैलेमस ब्रेन स्टेम के कनेक्शन के साथ आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये ऑटोनॉमिक लेवल को फेलियर हो रहा है, तो अगर यहाँ लीजन हो गया तो क्या होगा, है ना, बायलेटरल लीजन दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट के लेवल पर ह्यूमन बींग में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के रिमूवल के कारण पैरालिसिस कॉज नहीं होता है। ये पैरालिसिस कॉज नहीं करता, इसके कारण केवल मेंटल अलर्टनेस डेवलप हो जाती है। यानी यहां पर जो मेंटल अलर्टनेस के लॉस के कारण इनिशिएशन की कमी हो जाती है, यानी कोई भी चीज को क्या है, हाँ ठीक है मैं देखता हूं, बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगा, उसको प्रारंभ करने की जो स्टिमुलेशन मिलता है वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा दोस्तों, है ना। इसीलिए उसकी जो बहुत ही कम या मेमोरी का जो जजमेंट होता है, जो इंटेलिजेंस होता है, उसमें यहां पर चेंजेस उत्पन्न नहीं होता है दोस्तों, याद रख लेना इस बात को, उसका चेंजेस यहां पर उत्पन्न नहीं होता है। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये कल बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन इसका कंसर्न ये होता है कि मेमोरी इंटेलिजेंस और पर्टिकुलर इमोशनल लेवल पर कनेक्ट होता है, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं दोस्तों। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। है किसी को कोई क्वेश्चन? जी विनोद सर, जी विनोद सर, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बढ़िया विनोद सर, काफी दिनों में दर्शन हुए आपके। जी काफी दिनों में दर्शन हुए हैं आज सर, अच्छे अच्छे लोगों में समय बिता के आए। जी याद आती है अब तो आपकी, ऐसा हो गया है पूरा हमारे ब्रेन का सिस्टम कि सर, एक दिन भी अगर ना देखें। जी जी विनोद सर, सबसे बड़ी चीज क्या है, मैं जिस जिस की फैमिली में गया ना जी, सब फैमिली नाराज है मुझसे। सर हम, आपने हमको भी सिखा दिया, इनके साथ हमको भी 1.5 घंटा बैठना पड़ता है। जी बिल्कुल जी। सर ब्रेन के लेवल पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो आज पढ़ाया है इससे एक्यूपंचरिस्ट को बहुत फायदा हुआ, बहुत ज्यादा सर। मैं आपको बता रहा हूँ, दो तीन है, एक हमारे खेसर सर है एक्यूपंचरिस्ट चेन्नई के, और एक डॉक्टर राव सर है हमारे बेंगलोर के, दोनों को रिजल्ट दोगुना बढ़ गया है सर, दोनों टॉप क्लास रिजल्ट ले रहे हैं, शानदार। डायरेक्ट पॉइंट पर वर्क करेंगे सर को जी, डायरेक्ट हम लोग तो एक्सटर्नल ही उसको अप्लाई कर पाएंगे, वो तो डायरेक्ट नर्व पर पहुंचाएंगे मेडिसिन। बिल्कुल बिल्कुल सर, 100%। हाँ, और आपने बताया कि एक न्यूरॉन, एक डेंड्राइट 10,000 न्यूरॉन से जुड़ा रहता है। हाँ बिल्कुल, तो इस चीज को समझना बड़ा टिपिकल है। अब हमारे पास तो ऑर्गन की मेडिसिन है, आई से रिलेटेड है तो हम एस्ट्रल दे देंगे पेशेंट को, और उसी के हिसाब से एक्सटर्नल बना के दे देंगे। बिल्कुल, लेकिन एक्यूपंचरिस्ट तो डायरेक्ट पॉइंट पर वर्क करेगा। बिल्कुल डायरेक्ट, और डिप करेगा और मेडिसिन लगा देगा पंचर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सर हम उसी चीज का एडवांटेज नेगेटिव में कंप्रेस करके उठाते हैं, वो भी वही एनर्जी को डाल रहा है मॉलिक्यूल्स के व्याप पर। अगर उन्होंने 200 डायलेशन के कंप्रेस को देना शुरू कर दिया ना, मैं कह रहा हूँ उनके रिजल्ट दोगुना फास्ट हो जाएंगे। बिल्कुल न्यूरोलॉजिकल करती मेडिसिन, बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलता है सर। और हम सर पेशेंट को कवर कैसे कर रहे हैं, ऐसे ही तो कवर कर रहे हैं कि हम हाइपोटेंसी यूज करने लग गए, हाइपोटेंसी से हमारे पेशेंट जल्दी कवर हो रहे हैं, एलोपैथिक से भी फास्ट रिजल्ट मिल रहे हैं, इधर स्मेल दे देते हैं पेशेंट को नेगेटिव में। बिल्कुल, लेकिन कुछ लोगों को हजम नहीं होता सर। पहले तो सर मैंने पॉजिटिव में ही दिया था, अब मैं नेगेटिव में भी यूज करने लग गया हूँ स्मेल। बिल्कुल मिलेगा सर, आप तो हाँ। बता रहा हूँ, अभी मेरे पास एक केस आया था, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, बहुत अल्कोहल पीता है, HbA1c 15.2, शुगर 500 से कम नहीं हो रही, इंसुलिन नहीं लगाना, जगह जगह जख्म हो रहा है,
जहां बाथरूम करता हूं वहां मकोड़े आ जाते हैं। मैंने कहा ले यार भाई ये सुन, सुबह C2 का 200 और शाम को C17 का 200, मैंने ज्यादा रिस्क नहीं लिया। 7 दिन बाद बुलाया उसको, 7 दिन बाद आया तो हैरान था, 13.2 उसका HbA1c हो गया। अब मैंने तो इंटरनल को मेडिसिन ही नहीं दिया। उसके बाद उसका शुगर देखा था 410, उसके बाद में मैंने 1000 दिया और फिर उसने जो शुरू किया तो ट्रीटमेंट करीब करीब अभी 7-8 दिन का ट्रीटमेंट हुआ है। उस 7-8 दिन के ट्रीटमेंट के बाद में पेशेंट कहता है कि मैं जहाँ यूरिन करता हूँ पहले कीड़े मकोड़े आ जाते थे, अब नहीं आ रहे। पहला दूसरा मैंने पे बॉडी में जितने इरप्शंस थे वो नहीं आ रहे, है ना? ये सबसे बेटर अंडरस्टैंड है। भले ही शुगर कम नहीं हो रही है लेकिन उसको फिजिकल बहुत, शुगर एक दो दिन में कम नहीं होती भाई, मॉडर्न साइंस नहीं है कि तुरंत दबा दो, हमारा दबाता नहीं जड़ से काटता है, धीरे धीरे करके रिकवरी आ रही है। वो बोले सर मुझे फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन था वो कम हो गया, मुझे लॉस ऑफ एपेटाइट थी, खुल के भूख लग रही है लेकिन मैं जितना खा रहा हूँ ना उतना मेरी शुगर कम हो रही है। ये बहुत बड़ा सिम्टम है सर, अगर ज्यादा खाएगा शुगर बढ़ जाएगी उसका। लेकिन वो मैंने जैसे डाइट रिस्ट्रिक्ट किया है, आप चने की दाल खाओ, है ना, मैंने उसको कहा अदरक की चटनी खाओ, हमारे सुमित सर से सीखा मैंने ये चीज। जब अदरक की चटनी खिलाना शुरू किया अदरक लहसुन के, गजब के रिजल्ट आ रहा है उसको, शानदार रिजल्ट देखने को, है ना जी। थैंक यू सर। ओके जी जी जी। ज्योति मैम, ज्योति मैम, ज्योति डांगरे मैम जी। सर गुड इवनिंग। सर गुड इवनिंग, बहुत दिन बाद आवाज सुन रहा हूँ आपकी। जी सर जी, एक को फीडबैक देना, एक कोलाइटिस पेशेंट था 10 साल से, उसकी कोलाइटिस ठीक नहीं हो रही थी जी। उसको 310 mm में और एस लास्ट 1 mm में देने से उसको पूरा मतलब ठीक हो गई वो पेशेंट, और डिसेंट्री का ड्रॉप दिया था। शानदार, क्या दिया? स्लास का एसलास 1 mm में दिया जी, और S310 mm में दिया सर। वाह गजब मैम। और डिसेंट्री दिया था जी, तो पूरा ठीक हो गया। और एक और फीडबैक है, इसको एक डायरिया वाला, मतलब उसको लूज मोशन हो रहे थे 10 दिन से, ठीक नहीं हो रहा था, और एसलास 1 mm में दिया और डायरिया वाला ड्रॉप दिया, तो वो भी एक बार में ठीक हो गया सर, उसको दूसरी डोज लेने की जरूरत नहीं पड़ी। वाओ हैट्स अप। मतलब ये देखो ज्योति मैम, हम लोग अभी बहुत चीजों से बहुत दूर है। ये देखो आपने आज एक नई चीज सुना ली, मुझे लगता है जितने क्लास में लगभग 99% लोगों ने, इवन मैं भी, मैंने भी यूज नहीं किया, इतना है। बहुत बढ़िया, हैट्स अप, थैंक यू सर। सर आप ही का तो ज्ञान है। ना ना मैम, देखो क्या होता है, हमने क्या रास्ता खोल दिया, अभी हम भी नहीं जानते कि रास्ता कहाँ तक जाएगा। बाकी ये उन लोगों को जवाब है जो लोग कहते हैं हाइपोटेंसी का काम नहीं है ये। सर जी कोलाइटिस वाला पेशेंट कैंसर होने की बात, जो कोलाइटिस वाला पेशेंट है वो, उसको कैंसर था पहले, उसका कैंसर हो गया था, उसके बाद उसको कोलाइटिस हो गया था, जब से वो ठीक ही नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब उसको पूरी तरह से ठीक है। जी जी। धनशी मैम, धनशी मैम, धनशी मैम नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो सर? देखो आपके सामने हो, यंग हो गया हो 2 साल। सर आप बहुत चेंज हो गए, एकदम हैप्पी हैप्पी और अच्छे लग रहे हो। मैडम पूरी स्ट्रेस निकाल के आया हूँ 10 दिन में, 2 बहनें मिली, दीप्ति मैम, अपने दिव्या मैम, और भाइयों तो इतने मिले कि बहुत मजा आया जी। बहुत खुशी लेकर आए, और आप सर हमेशा ऐसे ही रहो, कोई कुछ भी बोलने दो, अपना हेल्थ अपने को ही संभालना है। बिल्कुल मैम, मैं तो भूल गया वो चीजें सर, मैं तो माइंड ही नहीं रखता हूँ, मुझे जो करना है वो छोड़ दूंगा। बहुत बढ़िया सर, नॉलेज तो बहुत अच्छा मिल रहा है सर, बहुत डीपली, इसलिए फिर से थैंक यू आपको, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। चौहान सर, डॉक्टर रंजीत कुमार चौहान सर। हेलो सर, नमस्कार जी। नमस्ते सर। नमस्कार सर, मुझे एक बात पूछनी थी, अभी स्किन कैंसर चल रहा है तो मेरे पास एक 16 साल का बच्चा आया था, तो एक्चुअली
2 बरस से उसको प्रॉब्लम शुरू हो गई है, तो एक्चुअली जहां पे भी जख्म हो जाता है, तो जब हमारे स्किन जब हीलिंग करते हैं तो स्कार बन जाता है, उसके बाद लेवल पे स्किन रहता है, बराबर है। तो एक्चुअली बिल्कुल जब तो जख्म होता है तो वहां पे ग्रोथ हो जाती है, वो स्कार बड़ा हो जाता है। ऐसे 7 8 जगह पे, वहां पे जहां जहां पे उसको लगा है तो वहां पे उबार बन चुका है, जैसे अपना वार्ट साइज रहता है, या समझ में आया जी ना मैं क्या बता रहा हूँ। जी जी तो एक्चुअली ये इस रिलेटेड रह सकता है। अभी आप आज जो पढ़ाया स्किन कैंसर, बिल्कुल, आप केवल A3B का एक बार कंप्रेस कर दो उसमें, क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। A3B का एक बार केवल कंप्रेस कर दो, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके ओके सर, ओके ठीक है हाँ, सर, बात ओके करिए, थैंक उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज है। ठीक है यू, ओके सर, थैंक यू सर, ओके ओके। जी, ठीक है दोस्तों, आज यहीं रखते हैं।